मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। असल तकरीर तो अब शुरू होगी, देखना तुम। मैं फरीद अली खान हूँ, ये मेरी अहलिया हैं, मैं दरअसल सलमान का वालिद। सलमान? कौन सलमान? मैं पहचाना नहीं। आपकी बच्ची माहम और मेरा बेटा सलमान एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे लगा शायद आप जानते होंगे। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, आपके यहाँ कोई तकरीब चल रही थी, मैं मुखिल हुआ। माहम, माहम, ये सब क्या है? ये बच्ची माहम है, बेटा सलमान, ये क्या सिलसिला? मैं नहीं जानती इसे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? सलमान, हमें भी बताओ, जिस लड़की को हम देखने आए वो तो दुल्हन बनी खड़ी है, तुम हमारी यहाँ इंसल्ट करवाने के लिए लाए हो? एक मिनट, मैं बताता हूँ आप सबको। ये सलमान है, बहुत अरसे से माहम के पीछे पड़ा हुआ है, हर जगह इसे फॉलो करता है, इसे शादी करना चाहता है, लेकिन माहम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जैक्टली यही बात इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताई है कि तुम इसके पीछे लट्टू की तरह घूम रहे हो, और देखा तो मैंने भी तुम्हें कई दफा, हत्ता कि इसने तो मुझे ये भी बताया कि तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, हो कौन तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? चलो सलमान, अच्छा हुआ हमें वक्त से पहले पता चल गया ये लड़की तुम्हारे काबिल है ही नहीं। एक मिनट, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं किसी के बारे में जबकि गलती आपके अपने बेटे की है? कह सकती हूँ, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, और ये सच है कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। दावत, मेरा ख्याल यह है कि हमें अब घर चलना चाहिए और इन्हें वक्त देना चाहिए ताकि ये फैसला कर सके कि इनको माहम की शादी किससे करनी है और किससे नहीं करनी। रुकिए, आप हैं कौन? हाँ, आप होती कौन है मेरे बारे में इस तरह की बात करने वाली? आपकी औकात क्या है? आप बोले चली जा रही हैं, बोले चली जा रही हैं, खुद को समझ क्या रही हैं? तुम पागल तो नहीं हो गए? माहम, मामा है वो मेरी। तुम इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं कर सकते, तुम्हें यह हक किसने दिया है? मुझे यह हक नहीं है। अगर मुझे यह हक नहीं है तो तुम मुझे मैसेजेस किस हक से करती थी, बताओ मुझे? तुम मेरे किरदार पे कीचड़ उछालना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, इसलिए? मैंने तुम्हें कोई मैसेजेस नहीं किए। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह से? जैसे दावर के पीछे बहुत सी लड़कियां थी जो उससे शादी करना चाहती थी, वैसे मेरे पीछे भी बहुत से लड़के थे
जो मुझसे शादी करना चाहते थे? जैसे दावर ने उन लड़कियों को छोड़कर मुझे चुना, वैसे मैंने भी इस तरह के लड़कों को छोड़ के दावर को चुना है। और आप सब लोगों को तो फखर होना चाहिए मुझ पे कि मैं सब कुछ छोड़ के दावर से शादी कर रही हूँ। देखो अब बहुत हो गया सलमान बेटा, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए, हम मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। शुक्रिया पापा, मैसेजेस दिखाए बगैर तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये देखिए आप लोग, देखिए सारे मैसेजेस। दे दिखाओ मुझे फोन। मैंने इसे कोई मैसेजेस नहीं किए, मेरे पास तो इसका नंबर भी नहीं है। अब पता चलेगा माहौल को। ये सच कह रहा है माहम, ये सारे मैसेजेस तुम्हारे नंबर से किए गए हैं। ये देखो मैं खुद देख रही हूं तुम्हारा नंबर है ये। ये सब कुछ नवैरा ने किया, ये नवैरा की हरकत है। इसी ने ये मैसेजेस किए। ये जानती थी कि मेरे मोबाइल का पासवर्ड DAWAR दावर है, और ये नहीं चाहती थी कि मेरी शादी दावर से हो। ये साहब तो हजार मैसेज करते थे दिन में, और नवैरा ने इसी बात का मौका उठा के इसको मैसेजेस का रिप्लाई किया है। नहीं नहीं, नवैरा ने कुछ नहीं किया है, इसका कोई कसूर नहीं है। दावर, पर तुम तो जानते हो ना, ये तुम्हें भी मैसेजेस करती थी, तुम्हें फंसाना चाह रही थी। तुम जानते हो ना, बोलो ना प्लीज। तुम अपना इल्जाम इस तरह से किसी के ऊपर कैसे लगा सकती हो? Enough is enough। हमारी मंगनी हो चुकी है और शादी की डेट फिक्स होने वाली है। जब कार्ड छपेंगे आपको भी भेजेंगे, आइएगा जरूर। अब जाइए यहां से। मामू, क्या डेट फिक्स किया आपने शादी की? चलो सलमान, ये शादी भी तुम्हें मुबारक हो और ये लड़की भी। चलो चलो सलमान। दावर, मैं अंदर से अपना बैग लेने जा रही हूँ, तुम गाड़ी बाहर निकालो, हम घर जा रहे हैं फौरन। ललत, ललत देखो, देखो इस तरह आपको दावर। मैं बात करूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? मम्मी को दवा देने। मत जाओ, दोनों बहुत गुस्से में, कब से बातें चल रही हैं कमरे में। कब तक चुपे रहेंगे? सामना तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी इस वक्त मम्मी को दवा की जरूरत है। मैं कह रही हूं ना, मत जाओ। और क्या हो जाएगा, जो होना था वो हो चुका है। एक और इल्जाम मेरे सर पर लग चुका है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। जिसको जो सोचना सोचता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे हैरत है माहम पर कैसे मुंह पर छुटला दिया सलमान को, और मुझे हैरत इस बात की है कि सलमान को किसने बुलाया था। कौन सलमान? बकवास की ना तो। क्या बोल रही हो, मुझे नहीं पता। सच सच बताओ कि किसने बुलाया था सलमान को। ये तो तुम्हें सलमान से पूछना चाहिए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, हमसे क्या पूछ रही हो? है नवैरा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी हरकत करे। ये हरकत तुम्हारी है।
जब तुम्हें पता है नवेरा में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो कॉल करे सलमान को, तो इतना नहीं पता कि नवेरा तुम्हारे और दावर के बीच में कभी भी नहीं आएगी? फिर क्यों अपने मतलब के लिए इसे हर दफा इंसल्ट करती हो, बताओ? तुम इसकी साइड ले रही हो? मुझे लगा था कि तुम मेरी साइड पर हो। और मैं समझती थी हम तीनों एक साइड पर हैं, और ये साइड लेने का आइडिया भी ना मुझे तुम्ही से आया। तो तुमने मुझे छोड़कर इसको चुना है? मैंने अपने दिल को चुना माहम। जिस दिन मुझे लगेगा ना तुम सही हो, तो मैं तुम्हारी साइड भी ले लूंगी। हम तीनों बहनें। ये जो तुम कर रही हो ना, पछताओगी। पछताओगी तो तुम माहम, जब सबको हकीकत पता चलेगी और फिर सलमान तुमसे बदला लेगा। तुम दोनों को अभी तक पता नहीं चला कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ? तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे ख्याल से अब तक तो तुम दोनों को समझ आ जानी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल आ गई समझ। नवेरा, हम भी बुला रही हैं तुम्हें। तुम बहुत बहादुर हो, माहम के सामने इतना बोल लेती हो। और मेरी दुआ है नवेरा कि तुम भी इतनी बहादुर हो। और ये डर क्यों रही हो? रिलैक्स करो और मेरी बात सुनो। अभी जा रही हूँ ना अम्मी के पास, तो उनको सब सच बताना। डरो नहीं, अच्छा? तुम कब से तुम्हें आवाज दे रही हो? अम्मी, अम्मी, चाहती है अम्मी छोड़े इसको, अम्मी इसका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। मैंने सलमान को कॉल की थी, सलमान को चक्कर चल रहा था बाप के साथ। क्या पढ़ के भूख दिया उसने? इसका कसूर अब पे सर ले रही है तू? मुझे माहम ने बताया है कि इसी ने इस लड़के को उसके फोन से मैसेज किए। दावर के साथ भी तो नहीं कर रही थी, इसकी आदत बन गई है, मुझे पता है इसकी आदत। आपको पता है मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं कर सकती वो, कुछ नहीं कर सकती। कोई कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको भरोसा है ना? भरोसा है ना? आपने दवाई खाई? चले मैं खिलाती हूँ। चले अम्मी छोड़ो। मेरा कसूर है सारा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें अम्मी ने इतना मारा, मुझे माफ कर दो तुम। मेरा कसूर है सब। नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरा नसीब है, मेरा नसीब खराब है। नहीं है तुम्हारी गलती। क्यों बार बार ये कहती हो कि मेरा नसीब बुरा है? नसीब नहीं बदलता, नसीब बदलता है नवेरा। लेकिन जो कुछ इंसान के बस में वो तो इंसान कर सकता है ना। अल्लाह ने जिंदगी और मौत अपने हाथ में रखी है, लेकिन हर इंसान को अकल और समझ दी है। उस अकल का इस्तेमाल करना ना करना इंसान के अपने बस में होता है। देखो मेरी तरफ तुम। ये जो इस तरह तुम रोती हो, सबके सामने चुप हो जाती हो, तो दुनिया तुम्हें ही कसूरवार ठहराएगी ना, ऐसी इल्जाम लगाएगी, ऐसी रुस्वा करेगी। कि अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, ऐसी सजा काटनी है। कैसे कहे हम अपनी दास्तां, बहते हैं आंसू, चुप है मेरा। I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मेहनत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे। तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा।
आपने बुलाया था मुझे? तुम मानोगे तो नहीं, लेकिन आज जो कुछ वहां हुआ वो ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? वो सलमान का आना, आपने देखा माम ने कितने अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल किया, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अच्छे घरों की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। अम्मी ये तो उसकी सच्चाई और समझदारी है, और ये कॉन्फिडेंस उसे आपकी तरफ से मिला। खैर मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। दावर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि मैंने खुद उस लड़के के मोबाइल पर माहम के मैसेजेस देखे हैं। आपने मैसेजेस सिर्फ देखे हैं, पढ़े तो नहीं ना? उनकी क्या हकीकत आप नहीं जानते? यानी तुम्हारा ख्याल है कि मैं माहम की बात पर यकीन कर लूं कि वो मैसेजेस नवेरा ने लिखे थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? भूल जाऊं कि उसका एक अफेयर चल रहा है? हम की बात कर रही हैं, ऐसा मत कहे, अच्छा नहीं लगता। बेटा मैं दुनिया को डील करती हूँ, मेरी समझ में बहुत कुछ आता है। तुम उससे डायरेक्टली पूछो कि हकीकत क्या है। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? आप जानती हैं मैं भी 8 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, मेरे भी कुछ अफेयर्स रहे हैं, लाइफ का हिस्सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमरीका नहीं है, और लड़कों और लड़कियों को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होता है। अच्छे खानदानी लोगों की बेटियां ऐसी हरकतें नहीं करती। वो अच्छी और खानदानी है, इसीलिए उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा और सबके सामने बात क्लियर की उसने। और क्या करे वो? फूफो ने कुछ कहा तो नहीं? किस बारे में? मंगनी वाले दिन जो कुछ भी हुआ उस बारे में। उस दिन क्या हुआ था? दावर, एक बार फिर मेरा नाम लो, तुम्हारे मुंह से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप भी ना। क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि मंगनी करने के लिए आ रहा हूँ, रिंग भी नहीं लाए, सिर्फ मिठाई खिलाकर चले गए। ऐसे होती है मंगनी? रिंग? मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। आपको ख्याल नहीं रहा, आप भूल गए। पप्पू को तो इन बातों की समझ है ना? इसलिए हम डॉक्टर्स ना थोड़े पढ़ाकू टाइप के होते हैं, तो इन सब बातों का हमें पता नहीं होता। डॉक्टर्स को ही तो सब कुछ पता होता है। रहने दे, सफाइयां मत दे। यही कोई बाहर की लड़की होती तो उसके लिए जोड़े भी आते, डायमंड रिंग भी आती, लेकिन मैं तो भाई की बेटी हूँ, इसलिए मिठाई खिलाकर टरखा दिया। नहीं माम, ऐसा नहीं है। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि फूफो में कमतर नहीं समझते? नहीं, वो कमतर क्यों समझेंगी तुम? जब कभी उनका मूड अच्छा होगा ना, तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा कि वो हमारे बारे में क्या राय रखती हैं, क्या समझती हैं हमें। ऐसी बात नहीं है माम, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं सोचती। तो फिर अपनी इकलौती बहू के चाव नहीं उठाए उन्होंने, क्यों? मेरे लिए सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। आई एम सॉरी, बस ऐसे ही फील कर गई थी तो आपको बता दिया। अम्मी आपका वेट कर रही है, आ जाए उनसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस आपको सलाम करने आया था। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रही हो तुम? चाय बना ले। अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, थैंक यू।
अम्मी मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ भागी जा रही हो, काम में ध्यान नहीं तुम्हारा ना दिल लगता है, काम चोर कहेंगी। पाँव दबा। मामी जान काम चोर तो नहीं है। अरे बेटा क्या हो गया, अभी भी इसकी वकालत कर रहे हो तुम? इससे तो इतना शर्मिंदा कराया है मुझे कि मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अब तो इसे अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकती घर पे कि कहीं पीछे से कोई नया गुल्ला खिला दे। वो तो तुम समझदार थे, वरना माम का रिश्ता तो खत्म था ना समझो। आप वो सब भूल जाइए मामी जान। अरे बेटा भूलना आसान तो नहीं होता, माम पे तो जिंदगी भर का दाग लग गया ना। जरा सोचो कल को अगर तलत आपा ने माम को बातें सुनाई तो। मैं तो सोच रही हूँ सबके सामने इससे माफी मांग पाऊं। अरे नहीं मामी जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे और अम्मी को माम पे पूरा एतबार है। सुना तुमने, शर्म करो और माफी मांगो दावर से। मामी जान इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। कैसे ना करो बेटा, जरा सोचो, पहले तुम्हें मैसेज किए, फिर माम बन के सलमान को मैसेज किए, फिर सलमान और उसके माँ बाप को ऐन मंगनी के दिन बुला लिया। नहीं, हद हो गई भाई, ये तो बहुत है। नवेरा आवाज नहीं आ रही, मैं क्या कह रही हूँ, माफी मांगो दावर से। सॉरी। अफसोस ही नहीं है इसे तो, क्या फायदा है ऐसे सॉरी का। बस कर तो मां, वो पहले कितनी शर्मिंदा हो रही है वो। सही से माफी मांगो दावर से। हाँ सही तरह माफी मांगो ना। माफ कर दे मुझे, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको भी मैसेजेस किए और सलमान को माम बनकर मैसेजेस किए और घर भी बुला लिया। और जो तुमने दावर के बारे में गलत सोचा उसके लिए भी माफी मांगा। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वादा करो कि आइंदा ऐसा नहीं करो। मैं वादा करती हूँ। अब जाओ यहां से। क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको बुरा लगा अम्मी ने नवेरा से माफी जो मंगवाई।
इंसान भी माफी मांगे ऑकवर्ड तो लगता है। anyway, काफी देर हो गई, मैं चलता हूँ, घर पहुंच के कॉल कर। बाय, ध्यान से जाइए। वेरा सुनो, अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगता कि तुमने वो मैसेज सलमान को किए होंगे। तुमने माफी क्यों मांगी? माम सच कह रही है, आपको उसकी बात पर यकीन करना चाहिए, वो झूठ नहीं बोल रही। मैं ऐसी नहीं हूं। मैं ऐसे ही हूं, आप मुझे नहीं जानते। तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी शादी माम से हो? मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जितनी बेइज्जती मेरी हुई है उतनी उसकी भी हो। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं बस जा ही रहा था कि मुझे मेरे के रोने की आवाज है। दो मिनट बात कर रहा था उससे। एनीवे, चलता हूँ, घर जाके कॉल करता हूँ। रुको, क्या बकवास किया तुमने दावर से? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। जो पूछना है दावर से पूछो। ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की ना तो गुद्दी से निकाल के हाथ में दे दूंगी। तुमने सब कुछ बता दिया ना दावर को कि वो मैसेजेस मैंने किए थे? जवाब दो। ने सुन लिया तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। बेहतर होगा हम इस बात को यहीं पे खत्म करते। बकवास बंद करो, रंगे हाथों पकड़ा मैंने तुम दोनों को। क्या हो रहा है? और तुम फिर तो तुम्हें ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए, फौरन इनकार कर दो तुम। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्यों कह रही हो। हाँ, चलाक हो। तुम्हें पता है असल में मैं चलाक नहीं हूँ। तुम्हें ये डर लग रहा है कि अगर दावर ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? और सुनो, अगर कंट्रोल करना है ना तो दावर को कंट्रोल करो, मना करना है तो उसको मना करो कि नवेरा से बात ना करे, और कुछ रिश्तों पर ट्रस्ट करना सीखो, वरना सबको पता चल जाएगा अंदर से कितनी इनसिक्योर हो। हाँ, मैं कमिन, कुछ वक्त है आपके पास? आ जाओ, तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है। अच्छा, थोड़े पैसे चाहिए थे मुझे। हाँ हाँ, मेरे ड्रॉर में रखे होंगे, 20-25 हजार ले लो। से थोड़े ज्यादा चाहिए। कितने? ये कोई 4-5 लाख। 4-5 लाख? अच्छा, हॉस्पिटल की कोई नई मशीन लेनी होगी है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे माहम के लिए ऋण लेनी है।
हमें ख्याल ही नहीं रहा हम लोग मंगने के लिए चले गए बगैर कोई रिंग लिए। चलो हो गया, फिर शादी पर दे देंगे। हाँ लेकिन मंगने की बात और होती है, वैसे भी एंगेजमेंट रिंग तो सारी जिंदगी पहनी जाती है, लड़कियां बहुत फील करती हैं ऐसी बात है। हमें उस दिन ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन खैर आप दे देते हैं, हम खुश हो जाएगी। देंगी ना चेक मुझे? हाँ। Are you sure 5 lakh? चलो हॉस्पिटल का वेंटिलेटर फिर बाद में ले लेंगे। क्यों? वेंट और रिंग का क्या ताल्लुक है? अकाउंट तो वही है ना, एक ही अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। एक रिंग तो ले ही सकते हैं। मंगनी पर इतनी महंगी रिंग दोगे तो फिर शादी पर क्या दोगे बताओ? मेरे ख्याल है माहम को लगता है कि हम बहुत पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, खुदा की बहुत मेहरबानी है हम पर, हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन हमें तो हॉस्पिटल बनाना है ना। लेकिन हॉस्पिटल के लिए तो हमने लोन लिया, हम अपने पैसे तो नहीं लगा रहे। लोन उतारना भी तो होता है, फिर लोगों का भी सोचो, क्या ख्याल होगा लोगों का, कहेंगे बैंक से लोन लेकर इतनी महंगी महंगी शॉपिंग्स कर रहे हैं हम लोग। हाँ लेकिन मैंने माहम से प्रॉमिस किया है। ऐसा करो कि तुम माहम को समझाओ कि तोहफे की कीमत नहीं होती, तोहफा देने वाले की मोहब्बत की कीमत होती है। शी इज अ गुड गर्ल, समझ जाएगी वो। 1 लाख। ठीक है, थैंक्स। मुझे तो ये वाली पसंद आ रही है, नाइस ना? नाइस। क्या प्राइस है इसकी? इसकी 5 लाख जी। ओके, कोई और भी दिखा दें गोल्ड में। किस प्राइस रेंज में? 1 लाख तक। हमारी मेड के लिए लेने की क्या जरूरत है, सिर्फ मेरे लिए ले लो। माहम प्लीज रुको। मुझे नहीं पता था कि आपकी नजर में मेरी औकात सिर्फ इतनी सी है। पुप्पो कहा करती थी कि लोगों को उनकी औकात के मुताबिक तोहफा देना चाहिए। माम ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं कोई मसला है, मुझे तो लगता है कि पुप्पो के हिसाब से मेरी औकात आपसे शादी करने की भी नहीं है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी नजरों में तुम्हारी क्या औकात है, तुम जानती हो अच्छी तरह। मैं तो तुम्हें सॉलिटेयर देना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने एहसास दिलाया कि अभी ये वक्त इस काम के लिए ठीक नहीं है। लोग समझेंगे कि हम हॉस्पिटल के लोन के पैसे से अपनी पर्सनल चीजें खरीद रहे हैं। लोगों का क्या लेना देना हमारी पर्सनल लाइफ से? आपको ख्याल रखना पड़ता है मैम,
वरना इन्हीं बातों से स्कैंडल बन जाता। अच्छा, तो पुप्पो ने ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी और वो जो दुबई से ब्रांडेड बैग्स लिया करती थी वो लेना छोड़ दिए। I'm so sorry. आप लोग इतनी बचत कर रहे हैं और मैं यहाँ खर्चे की बात कर रही हूँ। हम एक्चुअली मुझे पैसों के लिए अम्मी से चेक साइन करवाना पड़ता है, वरना उन्हें पता भी ना चलता और मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दिलवा देता। पुप्पो जान से चेक साइन करवाना पड़ता है? आपका अकाउंट नहीं है? नहीं, मैं 8 साल से बाहर था, जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब जॉइंट अकाउंट का इरादा है। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना।